अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग डिशेस विद अंजुम। आज हम बना रहे हैं ऑरेंज जेली डेजर्ट। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले, जिससे आपको हमारी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके लिए हमें चाहिए 3 कप फ्रेश ऑरेंज जूस लेना है, 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे, 1 कप शक्कर लेंगे। पैन में ऑरेंज जूस को डालना है, इसमें शक्कर डालेंगे, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर ले। 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर में पानी डालना है और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। ये मिक्सचर को हम ऑरेंज जूस में डालेंगे और कंटिन्यूसली आपको चम्मच चलाते रहना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना आ जाए। लो फ्लेम पे हम इसे पकाते रहेंगे जब तक ये मिक्सचर थिक ना हो जाए। देखिए मिक्सचर थिक होने लगा है, जब आपको इस तरह से बबल्स दिखेंगे और ये पैन का साइड छोड़ने लगेगा, यानी कि ये तैयार है सेट करने के लिए। हमने ये सिलिंड्रिकल ग्लासेस लिए हैं इस तरह के, इसे हम ग्रीस कर लेंगे तेल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसके अंदर ये जेली का मिक्सचर डालना है। इसे ओवरनाइट हम फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। सेट होने के बाद में देखिए इस तरह का बन जाएगा। आप इसे छुरी से इसके साइड्स को लूजन कर लेंगे, डीमोल्ड कर ले इसे। देखिए कितनी जिगली बनी है ये जेली। अब हम इसे छुरी से थिक स्लाइसेस में काट लेंगे। डेसिकेटेड कोकोनट से आपको इसे कोट कर लेना है, दोनों तरफ से अच्छी तरह से हम इसे कोट कर लेंगे। ऑरेंज जेली डेजर्ट तैयार है, चलिए एक बाइट लेके देखते हैं। बहुत ही जूसी ऑरेंज जेली बनके तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।